तो एंट्रीज हैं जो आप देख पा रहे हैं, और युवा कबड्डी सीरीज कवर करने आए हम लोग, और मैट की तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। ट्रॉफी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रही ट्रॉफी, और ये एलिमिनेटर 2, और फाइनल मुकाबला यहीं से खेला जाएगा। स्पोर्ट्स क्रेजी को आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम एक्टिवली स्पोर्ट्स को कवर करें, स्पोर्ट्स क्रेजी में जूम इन कर देता हूँ युवा के साथी के तौर पर, और यही होगा मुकाबला इस मैट पर जो मैं आपको लेकर आया हूँ। विनर्स का जो अनाउंसमेंट है वो इसी मैट पर होना है, तो मैट भी आपको मैं क्लोजली दिखा देता हूँ। ऊपर स्टैंड्स देख सकते हैं आप, जिस तरह से स्टैंड्स ये बनाए गए हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टैंड्स। और बाहर तो स्पॉन्सर्स आप देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी इवेंट होता है तो स्पॉन्सर्स के बिना वो मुमकिन नहीं है, तो दैट्स व्हाई यू सी स्पॉन्सर्स। मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंड का एक अलग पर्सपेक्टिव। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये स्टैंड है और बेसिकली एक बास्केटबॉल कोर्ट है ये, बहुत बड़ा सा, और उधर से इस कॉम्प्लेक्स पे इसको कबड्डी का कोर्ट बेसिकली मैट बनाया गया है, और उस पर ये कबड्डी का जो टूर्नामेंट है, जो इवेंट है, वो खेला जा रहा है। सो दैट्स हाउ द थिंग्स हैव बीन डिजाइंड, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको चलते चलते बाकी टीम्स का भी दिखा देता हूँ, किस तरीके से बिहाइंड द सीन्स ऑपरेशन हो रही है। बहुत सारी मेहनत होती है जब एक टूर्नामेंट जब ऑर्गेनाइज होता है, यहाँ पर इनकी टीम है जो बिहाइंड द सीन्स ऑपरेट कर रही है, एंड दिस इज़ द बास्केटबॉल कोड आई वॉज टॉकिंग अबाउट। और अभी मैं थोड़ा सा आपको पर्स्पेक्टिव भी सुनाऊँगा लोगों का, बिकॉज दैट पर्स्पेक्टिव इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा स्टैटिस्टिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे थोड़े अलग तरीके से। अश्विन, टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस, और कितना बड़ा रोल प्ले किया स्टैटिस्टिक्स ने यहाँ पर। आई थिंक टॉकिंग अबाउट स्टैट्स, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ इन स्पोर्ट, एंड I think going forward we'll have more and more stats coming into the game, and even the indigenous sports also pick up data as a main point of view to improve performance. Any specific, like I want to know ki wo to humne wahan pe baat kari hai, but any player jo top players hote hain unke against aap kaise move banate, ek statistician kya dekhta hai, agar koi raider hai opposition ka badhiya to usko kis tarike se counter karne ke liye statistics kin kis tarah ke data nikal kar le aata hai? So I think I can give you one example where I was working with the Bengal Warriors in the season 8 of Pro Kabaddi League, where we were planning for UP Yodha match, which is the main raider was the Dubki King, Pardeep Narwal. So I really enjoyed working on this particular player, because everyone was hyped about Pardeep Narwal playing, and then so what I did was 1 month before the event I started going through all of his videos and seeing his pattern and stuff like that, and then it took me a solid 4 to 5 days to come up with something which I can convey to my team, and then there was some patterns which I was noticed, and also the first thing which was done was to collect data about Pardeep Narwal. So watch his videos and collect some data about him, where he's making mistakes, where is his weak zone, where is his strong zone, and after that analyze it, and then I gave a talk to the team about, to the coach basically, to saying that we can stop Pardeep in this way, and in that game we were able to stop him four to five times because of this data thing, I would believe. So I think that is one of the key examples which I can quote. जैसा आपको बताया कि जब कबड्डी का टूर्नामेंट होता है तो बहुत मेहनत होती है बिहाइंड द सीन्स, हर इंसान अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है, और उसी तरीके से एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कॉमेंटेटर का, एंकर का, जिसको आप देखते हैं, जिसकी आवाज़ आपको एक तरीके से आपके मन में चली जाती है, क्योंकि जिस तरह का उनका स्टाइल होता है वो स्टाइल आपको पसंद आता है। एक ऐसी शख्स से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन वो खुद ही देंगे, और इनका जो काम है वही इनका इंट्रोडक्शन है। आवाज़ इनकी USP है और कमाल का कॉमेंट्री करते हैं, और इनको मैंने सिर्फ आज नहीं सुना है, पहले भी सुना है युवा कबड्डी में और भी डिफरेंट टूर्नामेंट्स में। थोड़ा बात करते हैं, मैं कैमरा आपकी तरफ मूव कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और अपने पैशन के बारे में बताएं।
थैंक यू सो मच. सबसे पहले स्पोर्ट्स क्रीजी और आप बड़े कमाल एंकर, आप भी बहुत ही अच्छे हैं. और गाइस अगर मैं बात करूं वॉइस मॉड्यूलेशन की और बात करूं कमेंटेटर की, तो सबसे बड़ा रोल जो होता है, अगर मैं कमेंटेटर के साथ शुरुआत करना चाहूं, तो आप हमेशा दूसरे लोगों के लिए, यानी कि जो व्यूवर्स होते हैं, जो लिसनर्स होते हैं, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, उनके लिए आप कमेंट्री करते हैं. तो आपको ये बात का ध्यान रखना होता है कि वो एंटरटेन भी होते चले जाएं, कभी भी आप बोरिंग ना हो, और आप अपनी यूएसपी अपनी स्पीड के साथ बना सकते हैं, अपने शब्दों के साथ बना सकते हैं कि किन शब्दों के साथ आप खेलना चाहते हैं. आप देख पा रहे हैं इस ट्रॉफी का 360 डिग्री व्यू, और जब भी आप एक ट्रॉफी को 360 डिग्री व्यू से देखते हैं, तो आई थिंक उसके हर पॉसिबल एंगल्स को आप देख रहे होते हैं. और दिखा हुआ है इसमें जोश, जज्बा, जुनून, जो आपके देख सकते हैं युवा कबड्डी का स्लोगन है. और ट्रॉफी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज उसी के लिए पूरी टीम खेल रही होती है. आपकी आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए ट्रॉफी आपको दी जाती है, आपको एक मोटिवेशन देने के लिए आपको ट्रॉफी दी जाती है. सो एक परफेक्ट एंगल के साथ हमने इस ट्रॉफी को कवर किया है, और यही ट्रॉफी मिली बाद में जो विजेता टीम थी उसको. एंड हमारी कोशिश थी कि हम आपको ट्रॉफी का भी एंगल दिखाएं.